जैसा कि कल 9 मई महाराणा प्रताप जी की जयंती थी, तो बड़े भाई पार्षद श्री सुदेश सिंह जी ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया महाराणा प्रताप पार्क, जो कि सेक्टर क्यू में स्थित है। और वहां पे पार्षद बड़े भाई सुदेश सिंह जी द्वारा आयोजित एक विशाल जनसभा में लोगों ने पुष्प अर्पित किए महाराणा जी के चित्र पे, और इसके साथ ही एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ और महाराणा जी प्रताप के कई किस्से याद किए गए। कहा जाता है अकबर इतना डरता था महाराणा जी से कि वो युद्ध में सामने नहीं आता था, छुपा रहता था। और कहा भी गया है ना, अगर महाराणा सामने आ जाता तो वो उसका अंतिम दिन होता, इसलिए वो महाराणा सर जमी को और चाटुकारों ने अच्छा करने के अकबर द ग्रेट और महाराणा प्रताप जी बताया थी। घास की रोटी कहते हैं ना, अगर महाराणा ना होते कितने हिंदुस्तान ना होता। और अकबर का तो यह वीर होता कि महाराणा प्रताप अमर रहे, डरता था कि सामने ना पड़ जाए महाराणा। तो एक उसका और भी किस्सा बड़ा मशहूर है, जब उनके तलवार जो कि कुछ चाटुकार 60 से 70 किलो होती थी, अकबर को देख उससे उनने एक बार द ग्रेट मुगल जो कि ग्रेट नाम की सैनिक को जो कि महाराणा प्रताप सेनापति तलवार उसको चीर दिया था। पूरा धड़ अलग, घोड़ा अलग, आधा आधा अलग, ऐसा तलवार चलाई थी ताकत एक सैनिक का। उनका जैसा कि तलवार घोड़ा सब 60 से 70 किलो की थी, भाला 80 किलो का, कई कितने चेतक के भी पूरा उनका कवच पहनते थे, वो भी 1.5 क्विंटल जय महाराणा। तो कुल मिला के 300 किलो जी जैसा भाला पहनते थे। उनका कहते हैं भाला 1 किलोमीटर दूर गिरता था, 1 किलोमीटर दूर जी हाँ, 80 किलो का भाला और करीब 150 किलो का उनका कवच, महान तलवार में जल्दी 50 किलो की, ये सब कुल मिला के लगभग 3 क्विंटल हो जाता था। 3 क्विंटल लेके चलते थे। जय जय राजपूताना, अद्भुत अजम प्रताप की जय, जय महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की जय हो, जय हो, अमर रहे महाराणा। महाराणा प्रताप जी के बारे में जितना भी कहें कम है, उनका ऐसा अदम्य साहस था कि उनसा युगों युगों में ऐसा वीर योद्धा नहीं होता। उनका जैसा वीर क्षत्रिय सदियों में एक पैदा होता है, हमेशा अमर रहें, अमर रहें महाराणा प्रताप, जय हो, जय हो। चतुरंग शत्रुवाणी हरी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा जी, बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, अब आनंद लेना, इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घनघनन घनन, जो जारू युद्ध जंग बजे, बज उठी देव तलवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की सहनाई सन, तोपों के मुखर से तार बजे, गोधारी बाजी खन खन, तालियां कमजोर है आपकी साथ मिलाइए, गोधारी बाजी खन खन, सुनिया छन 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 छाप बजी, जन जन जनार जन चंद्र हाथ, दुश्मन की गर्दन आप बजी, घंटों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी चन चन, हाथी का घंटा घन घन, अरे सिर कटकर जाते थे। अगर उस पर श्री अवधेश कुमार सिंह जी, श्री अंबिका सिंह जी और अपने पार्षद महोदय माननीय सुदेश भैया जी से ये अनुरोध करता हूँ कि वो हमारे बीच में आए, महाराणा की फोटो के सामने दीप प्रज्वलन करें और पुष्प अर्पण करें, कार्यक्रम को आगे। अंबिका भैया, अवधेश सर, बहन कहती है मैंने रोटी खाई, अगर मैं जीवित रही तो इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन अगर मैं भूखे मर गई मेरे भाई के रोटी से प्राण बच जाएंगे तो मेरे भाई मेवाड़ के लिए फिर लड़ाई लड़े। तो ऐसी कहानियाँ, ऐसे वीर शिरोमणि कि हम संतानें हैं। और आपको याद है, आप देखिए कि वो दौर महाराष्ट्र में, दक्षिण में मराठा साम्राज्य में शिवाजी, और इधर उत्तर पश्चिम में महाराणा प्रताप, देखिए इतना ही मुगलों के अधीन रहा है, जहाँ पे राणा और शिवाजी टकराए हैं उसके आगे मुगल नहीं बढ़ पाए। वो राष्ट्र जितना भारत था वो आज भी सुरक्षित है, इसीलिए आप दक्षिण में जाएंगे जितने भी मंदिर मिलेंगे आपको, प्राचीन मंदिर में उनमें कोई भी चीज चेंज नहीं हुई है, ये बाबरी लक्ष्मण टीला की चीजें इसलिए चेंज हुई, यहाँ मुगलों के आक्रमण हुए और मुगल यहाँ जीत गए। तो इसलिए आग्रह करता हूँ, आज राष्ट्र की वैसी स्थिति फिर आ रही है। अभी आज आपने देखा होगा, सर हमें एक पूछा है, मैं फिर से दे रहा हूँ, यहाँ सभी वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
भैया तुम खींच लो तुम्हारे पास मुझे ना दे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। औरंगजेब, मुगल, मंगोलिया ये सारे भारत को घेरने का प्रयास कर रहे थे, उसमें अकबर ने जिसे अकबर द ग्रेट कहा गया बाद में इतिहास के चाटकारों ने जिसको ग्रेट किया, जिस आतंकवादी ने हमारे देश पे आक्रमण किया उसे हम ग्रेट करके पढ़ाते हैं, उस अकबर को रोकने का काम हमारे महाराणा ने किया था। हालांकि वो दौर आया जब महाराणा को अपना राजपाट छोड़ना पड़ा, बच्चे और खुद परिवार लेके जंगलों में पलायन कर गए और उनके सामने दो ही चीजें हुई। अकबर ने समझौते के सिर्फ ये कहा था, एक बार महाराणा से कहो मेरे दरबार पे आकर के मेरे को सजदा कर दे, मैं सब कुछ छोड़ के वापस चला जाऊंगा। महाराणा ने कहा नहीं, मुझे मुगलों की दास्ता नहीं स्वीकार है, मैं राष्ट्र की रक्षा के लिए पूरा लड़ूंगा और मैं अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। हालांकि एक घटना, उसी समय एक कहानी पढ़ी गई थी हल्दीघाटी के युद्ध में, चार पंक्तियों कहानी थी, उसमें एक समय ऐसा आता है जब महाराणा जंगल में होते हैं और कई दिनों से उनके बच्चे बेटी होती है, बेटा होता है, तो दोनों भूखे होते हैं। महाराणा को चिंता होती है और उसी समय एक पशु एक रोटी का टुकड़ा लेके भाग के आता है जंगल में और बेटा और बेटी उस टुकड़े को देख रहे होते हैं, दोनों के बच्चे उस टुकड़े को उठा, लड़की टुकड़ा पाया था क्योंकि लड़की बड़ी होती है और बेटा छोटा होता है।